थैंक्स फॉर टूनिंग इन ट हॉटस्पॉट अकेडमी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सोशल स्टडीज सो आज एक हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैगी सीरीज जहां पे शॉर्ट में आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा राइट right? तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं तो आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी सो so, जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसको थोड़ा समझेंगे डिटेल में तो पहले समझते हैं कि एनसीआरटी के हिसाब से वॉट डू अंडरस्टैंड बाई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल तो तीन इंपॉर्टेंट चीज हमने समझी डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेकंड यहां पे रूलर्स है रूलर्स मतलब कि जो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे उनको इलेक्ट करने वाले कौन होंगे पीपल जो कि वहां के सिटीजन होंगे राइट right? अब यह डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की बट ये कंप्लीटली राइट right नहीं है ये पार्शल है राइट right? तो एग्जैक्टली exactly डेमोक्रेसी क्या होती है और हम कंट्री को कब बोल पाएंगे वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसके लिए थोड़ा डीपर डाइव लेते हैं और समझते हैं वट एग्जैक्टली डू वी अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी राइट चलो अब डेमोक्रेसी के बारे में समझने से पहले हम यह समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं राइट जैसे ये त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश वैसे डेमोक्रेसी के तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं राइट तो जब वो तीनों पिलर्स स्टेबल रहेंगे स्ट्रांग रहेंगे तो वी कैन से अ कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री राइट या फिर वहां पे डेमोक्रेसी है अगर पिलर्स में कोई भी पिलर इज नॉट इज कॉम्प्रोमाइज और इज नॉट बिन फॉलोड रेगुलसली तो वी कैन से डेमोक्रेसी इज बिन कॉम्प्रोमाइज या फिर डेमोक्रेसी डेंजर में तो उस तीन पिलर के बारे में समझते हैं सबसे पहले फर्स्ट पिलर जो है इस टॉक्स अबाउट सोर्स ऑफ पावर फर्स्ट पिलर क्या बताता है हमें सोर्स ऑफ पावर के बारे में जो कि किसी भी कंट्री के सिटीजन होंगे या फिर पीपल जो वहां पर रह रहे हैं जैसे कि इंडिया के अंदर वी से वी पीपल ऑफ इंडिया ये फर्स्ट पिलर है जो बताता है कि सोर्स ऑफ पावर कौन है वहां के पीपल या फिर सिटीजन राइट right? अब सिटीजन का काम क्या होगा वो वहां पे जब इलेक्शंस होंगे वहां पे वोट करेंगे वोट करने से जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट राइट और गवर्नमेंट रख के क्या करेंगे वो दे विल मेक द लॉस पॉलिसीज एक्सेट्रा राइट तो फर्स्ट पिलर क्या है सोर्स ऑफ पावर राइट सेकेंड पिलर सेकेंड पिलर यह बताएगा कि वहां पर कुछ लॉज होने चाहिए राइट right. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉ अब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो ये बताए कि कुछ राइट होनी चाहिए लोगों के पास और कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट पे राइट right. कि गवर्नमेंट कल आपसे आपके फ्रीडम नहीं छीन सकती तो यह कहां पर लिखना होना चाहिए कुछ ऐसा बुक ऑफ लॉ होना चाहिए राइट थर्ड पिलर थर्ड पिलर टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो ये इंश्योर करे कि वहां पे पीरियोडिक इलेक्शंस हो सेकंड वो ट्रांसपेरेंट वे में हो राइट right? वहां पे कोई फ्रॉड ब्राइब या फिर मैल फंक्शन नहीं होना चाहिए इलेक्शन में राइट right? जब ये तीनों चीज होगी किसी भी कंट्री में वी कैन से द कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो तीन पिलर क्या थी सबसे पहला पिलर था सोर्स ऑफ पावर जो कि वहां के पीपल है या फिर सिटीजन है सेकेंड अ बुक ऑफ लॉ होना चाहिए थर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि यह इंश्योर करे कि वहां पे पीरियडिक इलेक्शंस हो जो कि बिना फ्रॉड मैल फंक्शन के हो राइट right? जब ये तीनों पिलर्स स्ट्रांग और कॉन्क्रीट रहेंगे वी कैन से अ कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर वहां पर डेमोक्रेसी है अगर इसमें से एक भी पिलर कोलैप्स हुआ तो डेमोक्रेसी इज एट स्टेक या फिर एट डेंजर राइट हमने समझा डेमोक्रेसी क्या होती है अब आगे बढ़ते हैं अब ये समझते हैं कि क्या डेमोक्रेसी नहीं होती है राइट right? सो so, ये फेमस कोट है अब्राहम लिंकन जी का जहां पे कहा गया है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल राइट अब ये डेफिनेशन नहीं है डेमोक्रेसी की राइट right? ये है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी स्पिरिट मतलब क्या होता है जैसे स्पोर्ट्स स्पिरिट होता है विच आर गाइडलाइंस टू बी फॉलोड द दैन अब गाइडलाइंस को कितने फॉलो करते हैं दैट वेरा इज राइट तो इन द सेम वे डेमोक्रेटिक स्पिरिट है जो गाइडलाइंस परफॉर्म करता है गाइडलाइंस देता है किसी भी गवर्नमेंट को बट कितने फॉलो करेंगे दैट्स वेरिएबल राइट तो एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या है जो तीन पिलर हमने समझे थे सोर्स ऑफ पावर बुक ऑफ लॉ और इलेक्शन कमीशन इसमें से अगर एक भी पिलर कोलैब्स हुआ तो डेमोक्रेसी इज एट स्टेक राइट आई होप आपने समझा होगा डेमोक्रेसी क्या होता है चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं राइट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वुड लूज इट्स क्रेडिबिलिटी इफ ए

कमेंट सेक्शन सो वी कैन कवर दम इन द नेक्स्ट सीरीज राइट तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली गाइस कीप लर्निंग